రాజస్థాన్ అల్వార్ దళిత బాలికపై జరిగిన అత్యాచార ఘటనను రాహుల్ తీవ్రంగా ఖండించారు. బాధిత కుటుంబాన్ని పరామర్శించిన రాహుల్ అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు. బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని, మహిళలతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తే ఉపేక్షించేదే లేదని హెచ్చరించారు. రాజకీయం కోసం అల్వార్ రాలేదన్న రాహుల్ దళిత బాలికపై జరిగిన దుర్ఘటనపై బాధతోనే కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి వచ్చానని చెప్పారు. मैं अशोक गहलोत जी को मैंने फ़ोन किया. मैंने कहा देखिए ये हुआ है और मैं एकदम यहाँ आना चाहता था. कल आ रहा था, कल थोड़ा वेदर में प्रॉब्लम आया. मेरे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए ये एक इमोशनल बात है. एक लड़की के साथ गलत काम किया गया है और हिंदुस्तान में, सिर्फ राजस्थान में नहीं, सिर्फ अलवर में नहीं, हिंदुस्तान में हमें मैसेज देना है कि जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनके साथ ये बर्ताव नहीं टॉलरेट हुआ किया जाएगा. देखिए मैं फ्रैंकली, उन्होंने पर्सनल चीज़ें कही हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं. उन्होंने न्याय की बात बोली, वो मैं आपको बता सकता हूं. न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा और जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई होगी. मेरे प्रोग्राम में नहीं है और आज अनफॉर्चुनेटली मैं चला जाता, मगर अनफॉर्चुनेटली क्या है कि मेरी एक बिहार में मीटिंग है तो मैं उसको डिले नहीं कर सकता हूं. बट गहलोत जी, सॉरी, नरेंद्र मोदी लगातार रैलियों में, सुनिए सुनिए, देखिए मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ. मैं यहाँ एक परिवार से, एक लड़की से मिलने आया हूँ. जो उन्होंने मुझे कहा है